नमस्कार, आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस समय दुनिया भर में, खासतौर से भारत की बात करें, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रूडो का बयान, एक साल पहले एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने उसको मारा। निज्जर के मारे जाने के बाद ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर बयान दिया कि ये भारतीय एजेंटों ने मारा है और भारत जो है, हम जांच कर रहे हैं, उसमें सहयोग दिया, हमारे पास सबूत है। कहाँ से मिले? कहा फाइव आई से हमें जो है रिपोर्ट मिली। फाइव आई आप जानते होंगे, पहले भी बताया था, फिर से जिक्र कर देता हूँ। 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक संगठन है जो इंटेलिजेंस का एक्सचेंज करता है आपस में। उसमें अमेरिका है, उसमें इंग्लैंड है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें न्यूजीलैंड है और उसमें कनाडा है। तो वो ट्रूडो कह रहे हैं कि हमने जो है प्रमाण दिया, भारत सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। और भारत सरकार जानबूझकर जो है हमारे देश में, हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको खतरे में डाल रही है। और भारत सरकार के एजेंट हमारे देश में गैर कानूनी आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। अब ये ट्रूडो की तो हिम्मत है नहीं इतनी। भारत ने अभी हाल में जो हुआ उसको मिलाकर साल भर में 47 डिप्लोमेट कनाडा के निकाल दिए भारत से। ट्रूडो कुछ नहीं कर पाया और आपको बता रहा हूं आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने घुटने टेक दिए हैं, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है अपने ही देश में। क्यों और कैसे फंसा है बताते हैं, लेकिन किसने किया फिर, ये कौन करवा रहा है ट्रूडो से? अमेरिका है इसके पीछे। चीन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अमेरिका है। अमेरिका का बयान एक दिन पहले का आप सुनेंगे तो अमेरिकी प्रशासन का, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत को जो आरोप लगाए हैं भारत पर ट्रूडो ने, वो बहुत गंभीर हैं। भारत को इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए और कानूनी आधार पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए, जो भारत नहीं कर रहा है। यानी साफ साफ कि जो ट्रूडो कह रहा है हम उसको मानते हैं, वो सही है। इंग्लैंड को भी बोलना जरूरी था। इंग्लैंड ने कहा कि जो है जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बड़ी सदी जबान से जो भी बात कही, जो प्रतिक्रिया दी वो दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हर देश की संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। न्यूजीलैंड ने कहा कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसका पालन हो। दोनों ने भारत का नाम नहीं लिया, भारत पर कोई आरोप लगा है इसका कोई जिक्र नहीं किया। अब भारत सरकार पहले दिन से, जब संसद में अपने ये आरोप लगाया था ट्रूडो ने, तब से कह रही है कि ये झूठ है, ये गलत बात है, और अगर आपके पास इसके पक्ष में सबूत है तो हमें दीजिए, हम उस आप जांच में कोऑपरेट करेंगे, दोनों मिलकर जांच करते हैं। अब एक साल से भारत सरकार प्रमाण मांग रही है जस्टिन ट्रूडो से, वो दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके जो आका हैं उनको लगता है कि उनके पास बहुत प्रमाण है और भारत सरकार उन प्रमाणों पर एक्ट नहीं कर रही है। तो ये पोल खुल गई जस्टिन ट्रूडो की। अभी ये अब टाइमिंग का अंतर आप समझ लीजिए, कल समझ लीजिए या आज का समझ लीजिए। कनाडा में एक फॉरेन इंटरफेरेंस को लेकर एक कमीशन होता है, उसकी जांच चल रही है और वो जांच है ट्रूडो के खिलाफ कि चीन का इंटरफेरेंस है हमारे चुनाव में और चीन की मदद लेकर जस्टिन ट्रूडो चुनाव जीतना चाहते हैं। 2 चुनाव याद रखिए चीन की मदद से जस्टिन ट्रूडो जीते हैं। अब उस कमीशन के सामने उनकी जब पेशी हुई तो वहां जो उनकी टेस्टमनी है उसमें सच्चाई मुंह से निकल गई। उन्होंने कहा कि भारत पर मैंने जो आरोप लगाया है उसके पक्ष में मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना ठोस सबूत के एक संप्रभु देश पर, उसकी एजेंसियों पर आप खुले आम आरोप लगा रहे हैं अपनी संसद में, संसद से बाहर, और आपके आका लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो खुद तो फंसे ही अपने आकाओं को भी फंसा दिया। तो फिर ये हुआ कि आरोप कैसे लगाया? तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस का की ऐसी सूचना मिली थी। यानी इंटेलिजेंस की सूचना तो जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगी आपको, जिस तरह की चाहेंगे मिल जाएगी। बात यह है कि आरोप लगा रहे हैं तो उसके पक्ष में कोई प्रमाण होना चाहिए, एक बात। दूसरा, बीच में कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया, उनके पुलिस चीफ ने नाम लिया,
कि उसके जरिए भारत जो है ये किलिंग्स करवा रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथी कनाडा में बैठे हुए हैं, भारत पता नहीं कब से कह रहा है कि उनको एक्स्ट्राडाइट कीजिए, उनके खिलाफ हम मुकदमा चलाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे, लेकिन कनाडा उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहा है। और दो ही दिन पहले अभी उनके पुलिस चीफ ने माना कि भारत पर जो हम आरोप लगा रहे हैं किलिंग का, वो उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है जो खालिस्तानी हैं, जो भारत विरोधी हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो खालिस्तानियों के खिलाफ भारत एक्शन ले, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। हालांकि कनाडा में जो हुआ उसके बारे में भारत ने साफ मना किया है कि भारत सरकार का या उसकी किसी एजेंसी का उसमें कोई हाथ नहीं है। भारत का मानना है कि ये जो है गैंग राइवलरी है, उसमें ये किलिंग्स हो रही हैं। इससे इतर अगर कोई सबूत है तो ट्रूडो को पेश करना चाहिए, या फाइव आई के जो देश हैं उनमें से किसी को पेश करना चाहिए, अमेरिका जो ट्रूडो का समर्थन कर रहा है उसको पेश करना चाहिए। कहीं से कोई सबूत नहीं आ रहा है, भी नहीं। ये जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपने ही देश के कमीशन के सामने स्वीकार कर लिया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना सबूत के इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? तो सवाल ये क्यों लगा रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो बहुत मुश्किल में है। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 19% पर पहुंच गई है, मतलब उनका चुनाव हारना, अगर ये पॉपुलैरिटी उनकी चुनाव तक इसी तरह रही तो हारना तय है। दूसरी बात, उनकी पार्टी के अंदर बगावत हो रही है। उनके 30 सांसदों ने लिखकर दिया है कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दें, वो छुटकारा पाना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो से। लेकिन खालिस्तानी तत्वों का समर्थन हासिल करने के लिए, और वो उनका कनाडा में काफ़ी प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, उनका समर्थन हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि खालिस्तानी जो तत्व हैं, आतंकवादी हैं, वो खुश हो जाएंगे इस बयान से और समर्थन करेंगे, और उसकी प्रतिध्वनि आपको भारत में सुनाई देगी। भारत में बड़े अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह दो नावों की सवारी करती है, दो स्टूलों के बीच में हमेशा नीचे गिरती है, फिर वो यही कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी गुंडों के दबाव में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और इसमें कूदे भाई, हमको सुन के तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तेजस्वी यादव विदेश नीति पर, भारत कनाडा संबंध पर बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कनाडा के राष्ट्रपति ने जो आरोप लगाया उनको यही नहीं मालूम कि कनाडा में राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, और इस पर वो टिप्पणी दे रहे हैं कि जब उनकी सरकार ने, उनके राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। उनकी नज़र में सरकार ने आरोप लगाया बहुत बड़ी बात हो गई, अब उनको पता ही नहीं कि भारत सरकार कब से जवाब दे रही है और क्या क्या जवाब दे रही है। जवाब ही नहीं दे रही, कार्रवाई भी कर रही है। जब उन्होंने कहा हमारे हाई कमिश्नर को और चार और सीनियर डिप्लोमेट्स के बारे में कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इनके खिलाफ हमको हमारी जांच चल रही है, ये संदेह के घेरे में है, भारत ने उनको वापस बुला लिया कि इनकी सुरक्षा खतरे में है, कनाडा में ये सुरक्षित नहीं रह सकते, कनाडा इनको सुरक्षा नहीं दे सकता। उसके बाद उसके बदले में 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा ने निकाल दिया, भारत ने भी बदले में 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा के निकाल दिया। अब कनाडा के जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनमें बड़ा पैनिक है। वो उद्योग जगत को समझाने में लगे हैं क्योंकि हाई कमिश्नर को बुला लिया भारत ने, वापस बुला लिया, यानी कनाडा में भारत का हाई कमिश्नर नहीं है इस समय, कि ये समझाने में लगे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं टूटे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, सब कुछ सामान्य है, बैक चैनल से बातचीत चल रही है, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की हालत खराब करेंगे जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो को देश में क्या हो रहा है, देश का क्या नुकसान होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और जा रहे हैं। तो ये कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो हालत है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, चुनाव जीतना मुश्किल होता जा रहा है। उन पर आरोप है, जैसा मैंने अभी बताया, कि वो चीन की मदद ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और खालिस्तानियों की मदद तो खुलेआम ले रहे हैं, इस पर कोई शक ही नहीं है। और अब धमकी क्या दे रहे हैं कि मैं बुरा कर सकता था, मैंने किया नहीं, ये भारत को बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि G20 में जब मैं आया था तो उस समय मैं चाहता तो ये मुद्दा उठाता, भारत की पोजीशन बड़ी ख़राब हो जाती, लेकिन मैंने उस समय ये मुद्दा नहीं उठाया। तो जस्टिन ट्रूडो जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ
अपनी सरकार को बचाने और अपना चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। सवाल यह है कि खालिस्तानी तत्वों का समर्थन कौन कर रहा है, उनका साथ कौन दे रहा है, भारत में ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो जो बोल रहे हैं, भाषा जो बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ जस्टिन ट्रूडो कनाडा के समर्थन में है कि हमारे बहुत से लोग वहाँ पर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे मतलब पंजाब के लोगों से उनका मतलब था। तो सवाल ये है कि क्या हम देश को तोड़ने वालों को छोड़ दें, हम देश के तोड़ने वालों की मदद करें, जो इस देश का विभाजन करना चाहते हैं उनकी मदद करें, जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। समझने की बात यह है कि ये फर्क करना होगा कांग्रेस पार्टी और उसके सिख नेताओं को कि भारत समर्थक कौन है, विरोधी कौन है, देश हित में कौन है, देश विरोध में कौन है। सारे सिखों के बारे में कोई न कहता है न कह सकता है कभी कि सारे सिख जो है वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की जो सिफारिश करते हैं, दरअसल वो उन आतंकवादी तत्वों की मदद कर रहे हैं, वो उनके एजेंडा को, उनकी जो योजना है उसको आगे बढ़ाने का, उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जैसा मैंने कहा हमेशा की तरह दुविधा में है, इधर भी है उधर भी है। टीएमसी ने बयान दिया है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, आलोचना की है। तो भारत में जो माहौल है वो जस्टिन ट्रूडो और भारत सरकार के का जो रवैया है, जो कार्रवाई है, जो रुख अपनाया है भारत सरकार ने, उसके कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में भी है। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है भारत सरकार को भी कि इस पूरे मामले में कैनेडा और अमेरिका लगभग एक पेज पर खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। तो अमेरिका है तो वहाँ कुछ न कुछ इंग्लैंड भी करता है। और आप याद रखिए, ये जो I-5 की मैंने बात की, ये सब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं, भारत से मुक्त व्यापार समझौता चाहते हैं, उसके लिए बेचैन हैं। अभी अभी 4-5 दिन पहले ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का बयान आया कि FTA पर जो बातचीत चल रही है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, समझौता होना चाहिए। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। भारत को भी मालूम है कि हमें जितनी इन लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा इन लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो जस्टिन ट्रूडो ने घुटने टेक दिए उस कमीशन के सामने, ये स्वीकार करके कि उनके पास जो उन्होंने आरोप लगाया है उसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने अपने को तो एक्सपोज किया ही है, उनका जो साथ दे रहे हैं उनके आका, उनको भी एक्सपोज कर दिया है कि आप एक गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, आप एक झूठे आदमी का साथ दे रहे हैं। भारत आखिर एक्शन किस पर लेगा, कार्रवाई किस पर करेगा? अगर आप कोई सबूत देंगे, किसी के बारे में कोई जानकारी देंगे, कोई डॉक्यूमेंट देंगे, कोई डोजियर देंगे, तब तो कार्रवाई करेगा। भारत लगातार सबूत मांग रहा है जस्टिन ट्रूडो से और जस्टिन ट्रूडो लगातार भाग रहे हैं। उनके पास सिर्फ बहाना यह है कि भारत ने ऐसा किया है, ये कह दो और कुछ लोगों को समर्थन में बुलवा लो। तो इससे उनको लगता है कि उनको डोमेस्टिक, उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें फायदा होगा। और इसके कारण उनको लगता है कि भारत में, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो दबाव में आ जाएंगे। तो वो भूल गए हैं कि ये जो है मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो दबाव में आ जाए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये दबाव में नहीं आती, दबाव में कोई फैसला नहीं करती, ये अपने देश के हित में जो है उसके आधार पर फैसला करती है। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे होने वाले हैं। उनका जो ये बड़बोलापन, ये जो अहंकार है, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं दुनिया के, और उनका देश बहुत बड़ा देश है, बड़ा समृद्ध देश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस समृद्धि को नष्ट करने पर तुले हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, जस्टिन ट्रूडो को उसकी कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता सिर्फ एक है, चीन की मदद मिल जाए, अमेरिका की मदद मिल जाए, खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद मिल जाए, जिसकी भी मदद मिल सके लेकर चुनाव जीतो। तो पिता पर गए हैं, पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। भारत से संबंध उनके पिता के समय बिगड़े थे, और जस्टिन ट्रूडो को अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो मालदीव से पूछ लें, मालदीव की सरकार से पूछें कि भारत के खिलाफ स्टैंड लेने के बाद हालत क्या होती है। मालदीव के
राष्ट्रपति आए थे कटोरा लेकर यहां और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की गए। तो भारत आज जिस स्थिति में है वहां झुकना नहीं, झुकाना जानता है, और किसको कैसे और कब झुकाना है यह भी जानता है। भारत अपनी टाइमिंग तय करता है, वो नीजर्क रिएक्शन में विश्वास नहीं करती ये सरकार। ये सरकार सोच समझकर और अपना समय तय करके एक्ट करती है। जो मालदीव्स के साथ हुआ वही कल कनाडा के साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और जिस रास्ते पर जस्टिन ट्रूडो चल रहे हैं उसमें ऐसा होना अवश्यंभावी लग रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो को लग रहा है कि वो सरकार तो नहीं बचेगी, लेकिन वो अपने देश को बड़े संकट में डालकर जाएंगे जाते जाते। लेकिन चुनाव में अभी समय है, अगले साल चुनाव होना है, तब तक क्या होगा पता नहीं। लेकिन दो बातें तो तय है कि एक, वो चीन की मदद ले रहे हैं, ये उनकी सरकार ही जांच कर रही है, उनकी संसद जांच कर रही है। दूसरा, उनकी पार्टी में बगावत हो रही है, उनके खिलाफ उनकी लोकप्रियता जितनी तेजी से नीचे जा रही है उसके कारण पार्टी के दूसरे नेता चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि इनकी वजह से पूरी पार्टी डूब रही है। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है, गलत देश से पंगा ले लिया है। ना उनको अमेरिका बचा पाएगा, ना उनको चीन बचा पाएगा, ना उनको इंग्लैंड बचा पाएगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में उनको घुटनों के बल चलकर भारत के सामने आना ही पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।